हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्ट हम लोग 4 कर रहे थे और ये हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग ने पहला जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोग ने क्या कंसीडर किया, पढ़ा था पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो हम लोग ने उस लेक्चर में हम लोग ने यही पढ़ा था कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर के पास स्पेस होता है और वो कंटिन्यूअस मूव करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो कि ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है मैटर का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक एक्टिविटी देखेंगे कि एक्टिविटी में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपको एक गेम खेलना है, फील्ड में गेम खेलना है, और आपको मेक ए फोर ग्रुप, आपको चार ग्रुप बनाना है और एक ह्यूमन चेन की सजेस्ट जैसे किया जा रहा है वैसे आपको एक ह्यूमन चेन बनाना है। जो फर्स्ट ग्रुप है उसको कहना है कि आप क्या करो कि आप होल्ड ईच अदर बाई बैक एंड लॉक द आर्म। क्या करो, आप पीछे से बैक कर लो और आर्म को लॉक कर लो एक दूसरे के साथ, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि एक दूसरे से जो लेडीज हैं एक दूसरे से जो कि क्या किए हैं, आर्म को लॉक कर लिए हैं अपने बैक में, लाइक ए ईदू मिसुमी डांसर, एक डांस होता है उसके तरह आपको करना है। आपको कहो कि आप उसके तरह एकदम करो। और आपको सेकेंड ग्रुप को कहना है कि शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म ए ह्यूमन चेन। सिर्फ आपको कहना है कि सिर्फ हाथ को होल्ड करके रखो, सेकेंड ग्रुप को हाथ को होल्ड, और फर्स्ट ग्रुप को क्या करना था, इस तरह का जो क्रिएट करना था। और थर्ड ग्रुप को क्या करना है, थर्ड ग्रुप को फॉर्म चेंज करना है बाई टचिंग ईच अदर। क्या करके, टचिंग ईच अदर, सिर्फ टच करके। थर्ड ग्रुप को कहना है कि आप सिर्फ टच करके एक दूसरे का ग्रुप बनाओ। तो अब नाउ ए फोर्थ ग्रुप को क्या करना है कि आप इनमें से इन सब को चेन में से तोड़ो। द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वुड रन अराउंड द ट्राई टू ब्रेक थ्री ह्यूमन चेन वन बाय वन। और जो फोर्थ ग्रुप है वो ह्यूमन चेन को तोड़ेंगे एक वन बाय वन इंटू मेनी ग्रुप एज पॉसिबल, जितना उनसे पॉसिबल हो। विच ग्रुप वॉज अर्लीस्ट टू ब्रेक, और कौन सा ग्रुप जो अर्लीस्ट ब्रेक होगा। आप कहोगे कि थर्ड ग्रुप ही अर्लीस्ट, सिंपली क्योंकि ये एक दूसरे से टच किए हुए हैं थर्ड ग्रुप। आप कहोगे जो थर्ड ग्रुप है वो ही इजिली ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज वो एक दूसरे से सिर्फ टच किए हैं एज कम्पेयर टू सेकेंड और फर्स्ट ग्रुप। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर आप हर एक स्टूडेंट को पार्टिकल ऑफ मैटर कंसिडर करते हो, देन विच ग्रुप ऑफ पार्टिकल हेल्ड बाई। तो आप कहोगे कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो मैक्सिमम फोर्स से जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट जो एक्टिविटी आता है वो है टेक एन आयरन नेल्स। आपको क्या करना है, आपको आयरन नेल लेना है और कुछ चौक का पीसेस लेना है, एंड ए रबर बैंड, और आपको एक रबर बैंड भी लेना है। ट्राई टू ब्रेकिंग देम बाई हार्मिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। और आप उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर दीजिए, कैसे भी आप हार्म कीजिए, काटिए। स्टे इन विच ऑफ द एबव थ्री सबस्टन डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टूगेदर बाई ग्रेटर। क्या इन सब में से किसका जो पार्टिकल है वो ग्रेटर फोर्स से जुड़ा हुआ है, वो टूट नहीं सकता है ईजिली। तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि जो आयरन नेल है उसका जो पार्टिकल है एक दूसरे से बहुत ही अट्रैक्टिव जुड़ा हुआ है। तो एक्टिविटी 1.8 देखते हैं। टेक ए सम वाटर इन ए कंटेनर। आप कुछ वाटर लीजिए, आपको क्या करना है, वाटर लेना है कंटेनर में। ट्राई टू कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर। आपको क्या करना है, आप सरफेस ऑफ वाटर को काटना है अपने फिंगर से
वे आर यू एबल टू कट द सर्फेस ऑफ वाटर, क्या आप काटने में काट पाए वाटर का सर्फेस ऑफ सर्फेस, वाटर का सर्फेस को आप काट पाते हैं? वाट कुड बी रीजन बिहाइंड द सर्फेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टूगेदर, और इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो द एवव थ्री एक्टिविटी, दो हम लोग ने जो तीन एक्टिविटी देखा 1.6, 1.7, 1.8 सजेस्ट डैट द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, और जो पार्टिकल है मैटर का उसके बीच में जो फोर्स है, जो पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में जो फोर्स है आपको देखने को मिला, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में फोर्स है, द फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, जो जो फोर्स है वो पार्टिकल कीप करता है, वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, जो स्ट्रेंथ है, जो उसका स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे से वेरी करता है, कि मैटर ऑन मैटर, मैटर पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये सारे क्वेश्चन जो होंगे उसको हम डील करेंगे, ये सब क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे कि कैसे, मतलब जितना हम लोग ने पढ़ा हो उस पर इतना सारा जो इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो कि पेज नंबर 3 में दिया उसको हम लोग डील करेंगे। तो थैंक फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल पाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।